आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जांपल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 43B। PGBP में ये सेक्शन कई सारे पॉइंट्स के साथ आ जाता है और हमें वहाँ बताया जाता है सब्जेक्ट टू 43B, सब्जेक्ट टू 43B। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, आइए इसे आसान बनाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि दो हेड ऑफ इनकम ऐसे होते हैं, दो हेड ऑफ इनकम ऐसे होते हैं जहां पे आप चाहो तो कैश बेसिस भी यूज कर सकते हो, जहां पे आप चाहो तो अक्रूवल बेसिस भी यूज कर सकते हो अकाउंटिंग के लिए। ये दो हेड्स ऑफ इनकम हैं, PGBP एंड IFOS, राइट। तो 43B, पहली बात तो आप याद कर लीजिए कि एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं लोगों पे है जो कि अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, ड्यू बेसिस या अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है जहां पे पेमेंट कर दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट इस साल को बिलोंग करता है वो इंपॉर्टेंट है, इनकम आपके पास एक्चुअली आई है कि नहीं, सेल्स का पैसा आपके यहाँ रियलाइज हुआ है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स इस साल में हुई थी तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वेरी गुड। अब 43B हमें क्या बताता है? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड या फिर क्लेम एक्सपेंसेस इवन इफ नॉट एक्चुअली पेड, या फिर वो अभी भी अगर आउटस्टैंडिंग हैं, इफ दे परटेन टू अ फाइनेंशियल ईयर, इस साल को बिलोंग करते हैं तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर, जिन नामों में 43B को इंक्लूड कर दिया जाता है, सब्जेक्ट टू 43B बोल दिया जाता है, वहां पे आपको बोला है सच एक्सपेंस शैल बी अलाउड ओनली इफ, सच एक्सपेंस शैल बी अलाउड ओनली इफ अमाउंट एक्चुअली पेड। अगर सिर्फ इतना बोलते हैं ना तो कंफ्यूजिंग नहीं होता, तो आपको यह समझ में आ जाता कि भाई कैश बेसिस पे अलाउड होगा, नहीं, आपको बोला है एक्चुअली पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, आपको इसे पे करना है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, जिसे हम प्यार से जॉन कहते हैं। जॉन का मतलब क्या हो गया जी? जिनको ऑडिट नहीं करवाना होता है उनके लिए जुलाई, जिनको ऑडिट करवाना होता है या ऐसे फर्म के पार्टनर हैं जिनको ऑडिट करवाना है उनके लिए लास्ट डेट अक्टूबर रिटर्न फाइल करने की, और जिनको 92E के तहत एक सर्टिफिकेट जमा करना होता है, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज हैं, उनके लिए नवंबर। तो अपने लिए ये नवंबर वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इट इज गोइंग टू बी जुलाई एंड अक्टूबर फॉर अस। तो अगर आपने इस डेट से पहले पहले इनको पे कर दिया है ना, तो वो खर्चा आपको इसी साल अलाउड हो जाएगा, अगर उसके बाद पे किया है तो आपको वो अगले साल अलाउड होगा। चलिए, तो अब सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका कवरेज क्या है, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस 43B के अंडर आते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है ITR एम्प्लॉई, या फिर एम्प्लॉई का ITR। ITR का मतलब आप जानते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न, अगेन यहाँ पे काफी रेलेवेंट है बिकॉज ITR की जो ड्यू डेट होती है उसी के बेसिस पे 43B गवर्न किया जाता है। ITR एम्प्लॉई से मेरा मतलब क्या हुआ, आई से पहला पॉइंट हो जाएगा इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसे, पब्लिक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, या आप किसी शेड्यूल्ड बैंक को भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि फॉर्मल सोर्सेस को अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली नहीं है, फॉर्मल सोर्सेस को अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको वो इंटरेस्ट का खर्चा यूं तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो खर्चा आपको इस साल अलाउड हो, तो भले ही आप 31 मार्च तक पेमेंट मत करो, अप्रैल में कर दो, मई में कर दो, जून में कर दो,
जुलाई के एंड होने से पहले पहले पे कर दो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्म हैं, कंपनी है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत है तो आपको उसे अक्टूबर एंड से पहले पहले एक्चुअली पे कर देना चाहिए ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली। तो पहला अमाउंट इंटरेस्ट हो गया। टी से जो मेरा पॉइंट है उसमें मैं बोलता हूँ टैक्स या फिर सेस या फिर फीस एक्सेट्रा टू गवर्नमेंट। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लीजिए आपका कोई कमर्शियल स्पेस है, ऑफिस बिल्डिंग है, उसका म्यूनिसिपल टैक्स आप पे कर रहे हो, तो नॉर्मली तो हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होता है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती नहीं है, तो उसका म्यूनिसिपल टैक्स आपको तभी अलाउड होगा अगर आपने उसे JON यानी कि जुलाई अक्टूबर नवंबर से पहले एक्चुअली पे कर दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो आई हो गया, टी हो गया, तीसरा हो गया आर। आर से बन जाता है रेलवेस, यानी कि आपको रेलवे को कोई भी पेमेंट करना है तो वो तभी अलाउड होगा अगर आपने उसे JON यानी कि जुलाई अक्टूबर नवंबर से पहले एक्चुअली पे कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर आ जाता है मेरा एम्प्लॉयज़ का बात। तो एम्प्लॉयज़ में आपको क्या याद रखना है कि अगर तुम किसी एम्प्लॉयी के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर तुम किसी एम्प्लॉयी को बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो ये भी तभी अलाउड होगा अगर आप इस एक्चुअली जुलाई अक्टूबर नवंबर से पहले पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कवरेज पता चल गई, याद रख लीजिए ITR एम्प्लॉई, आई से हो गया इंटरेस्ट, टी से हो गया टैक्स टू गवर्नमेंट, आर से हो गया रेलवे, एम्प्लॉई से आपको पता चल गया या तो उसके फंड वगैरह का कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर उसको दिया जाने वाला बोनस और कमीशन। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रेलेवेंस कहाँ है। इस साल के दिसंबर 2023 के पेपर में आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको दिसंबर 2023 के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन रह सकता है जिसमें आपको एक PL अकाउंट दे देंगे, आपको सेल्स की वैल्यू बता दी जाएगी, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दी जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेंसेस बता दिए जाएंगे, एक आपको एक्सपेंस बता दिया जाएगा टू इंटरेस्ट, एंड लेट अस से आपको बोल दिया जाएगा अमाउंट इज 1,20,000, और इस तरीके से आपका कुछ तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपको एडिशनल डिटेल्स में क्या बोला जाएगा, आपको एडिशनल डिटेल्स में क्या बोला जाएगा, एडिशनल डिटेल्स में वो आपको बता सकते हैं कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी लेट अस से उसमें से 60,000 जो था वो आपने पे कर दिया था बिफोर 31/03/2023। आगे आपको बता सकते हैं कि भाई 40,000 जो था वो आपने पे किया ऑन 15/07/2023। ये जो है ये ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर की डेट है 22/23 की। ये जो पेमेंट है ये आपके एक्चुअली असेसमेंट ईयर में हुआ है, आप अगर देखें दिस इज पेमेंट हैज बीन मेड इन 23/24। उसके बाद आपको बोल दिया कि भाई 12,000 का पेमेंट किया गया था ऑन 1/12/2023 और 8,000 जो है वो अभी भी अनपेड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट। तो आपको क्या समझना होगा कि देखिए भले ही उसने पीएल अकाउंट में 1,20,000 रुपए लिखा है बट बिकॉज वो 43B से कवर होता है तो उसको पूरा 1,20,000 अलाउड नहीं होगा जब तक कि वो पूरा 1,20,000 JON से पहले पहले पे कर दे। अपने अज्यूम कर लेते हैं कि इनका ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न इज अक्टूबर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 60,000 तो आपने पे कर दिया था 31/03 से पहले तो इसको तो कोई रोकेगा नहीं, अलाउड हो जाएगा। 40,000 का पेमेंट भी आपने 15/07/2023 से पहले कर दिया यानी कि अक्टूबर 23 से पहले कर दिया तो ये भी अलाउड हो जाएगा। 12,000 का पेमेंट आप करते हो 1/12/23 का तो ये आपको अलाउड नहीं होगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये अलाउड होगा बट इन द ईयर
2023-24, 2023-24 में ये आपको अलाउड हो जाएगा। 22-23 का जो साल है, इस साल में ये अलाउड आपको नहीं होगा। 8,000 जो अभी भी अनपेड है, ये अलाउड नहीं होगा। जब पेड होगा तब अलाउड हो जाएगा। यानी कि आपको अभी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप लिखोगे कि जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उसमें एड बैक कर दोगे इंटरेस्ट नॉट अलाउड बट शोन इन पीएल अकाउंट। ठीक है, आपने पीएल अकाउंट में 1,20,000 दिखा रखा है इंटरेस्ट, लेकिन उसमें से ये 12 और 8 इस साल अलाउड नहीं होगा। नॉट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 22-23 बट शोन इन पीएल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये ऐड कर देंगे और आपका प्रॉफिट प्लस 20,000 बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है, 43B इससे अलावा कुछ भी नहीं है गाइस। माय ओनली अटेम्प्ट वाया दीज लेक्चर्स इज कि कुछ टॉपिक्स जो आप छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है नहीं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ब्रश अप दोज टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपको 43B में फिर भी कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो शायद 43B छोड़ के जाने वाले थे, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प देम। हैव अ गुड डे। बाय बाय।